हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मौसम इतना अच्छा हो रहा है तो DIY स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि आप सबको वेदर दिखा दिया जाए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना DIY, जिसमें आज हम वेस्ट प्लास्टिक बॉटल को रीयूज़ करना सीखेंगे। आज मैंने बनाया है ट्राइबल मास्क, जिसको हम टिकी भी कहते हैं, विद फुल वेस्ट मटीरियल। तो लेट्स सी ये कैसे बनता है। पे मैंने अपनी प्लास्टिक वाटर बॉटल ले ली है, जिसके ऊपर मैंने वॉल पुट्टी का लिक्विड फॉर्म लगाया है। उसके बाद मैं वॉल पुट्टी का डो बना के इसके एक्सप्रेशंस बनाऊंगी, ताकि ये थोड़ा सा हमारा 3D लगे। और इफ आप जानना चाहते हैं कि मैंने वॉल पुट्टी का डो कैसे बनाया, तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर उसकी डालूंगी। और आप वॉल पुट्टी का डो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो फेविक्रिल की क्ले आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बस कॉस्ट का ध्यान रखने की वजह से मैंने ये वॉल पुट्टी का डो यूज़ किया है। आप कोई भी क्ले यूज़ कर सकते हैं। डो स्टिक करने के लिए मैंने ये फेविकोल बॉन्ड लिया है, जो कि आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसे इजीली ये स्टिक हो जाता है, अदरवाइज हम प्लास्टिक पे कुछ भी चिपकाते हैं तो वो बाद में हमारा रिमूव हो जाता है, उखड़ जाता है। तो जिस वजह से हमें फेविकोल लगानी ही पड़ती है उसको स्टिक करने के लिए। आप अपनी चॉइस से अपना पैटर्न बना सकते हैं, और आप मेरा भी कॉपी कर सकते हैं इफ आपको अच्छा लगे तो। व्हाइल मेकिंग दिस, हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि हमें डो को स्मूथ करना है, क्योंकि अगर हम इसको स्मूथ नहीं करेंगे पानी से तो बाद में रफ रफ दिखेगा, जिसके वजह से जब हम कलरिंग करेंगे तो सॉफ्टनेस स्मूथनेस नहीं आएगी। तो हमेशा जब हम बनाएंगे तो इसको फेविकॉल से चिपकाएंगे और पानी से स्मूथ करेंगे। देखिए, नोज लगाते वक्त वो उसका लिक्विड फॉर्म निकल गया है, बट डोंट वरी, हम जब कलर करेंगे तो वो हमारा दिखेगा नहीं। और डो को स्मूथ करने के लिए मैं उसमें वाटर यूज़ कर रही हूँ। मैंने उसको एक नथ पहना दी थी, क्योंकि हम थोड़े से और एलिमेंट्स ऐड करके उसको और अच्छा बना सकते हैं। और अब मैंने थोड़ा सा डो लेके यहाँ पे उसको फ्लैटन अप करके उसके टीथ बना रहे हैं, जो कि बहुत इजी है। और इसमें अब हम कार्विंग कर देंगे ऐसे लाइंस। आप किसी भी कटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर नाइफ का भी यूज़ कर सकते हैं। फॉलो करूंगी नीचे के टीथ बनाने के लिए।
अब मैं ये सर्कल बना रही हूँ ताकि ऊपर थोड़ा सा और मैं एम्बॉस दे दूँ, थोड़ा सा और 3D लगे और कुछ चीज़ें ऐड कर दूँ। फेसेस के चीक्स पे लाइंस होती हैं, वैसे ही मैंने वॉल पुट्टी के डोक से इसमें लाइंस यहाँ पे दोनों साइड मैंने बना ली ताकि वो थोड़ा सा और अच्छा लगे, क्योंकि हम जितने भी एलिमेंट्स ऐड करते हैं वो और अच्छा लगता है। अब हम इसको ड्राई होने देंगे, फिर हम पेंटिंग स्टार्ट करेंगे। पेंट में हम सबसे पहले सिर्फ ब्लैक कलर करेंगे, उसके बाद हम इसमें रस्टिक लुक देंगे और चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ मैंने यूज़ किया है ब्लैक एक्रेलिक पेंट जो कि आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में। Now our paint is done and it's time to add more detailing to it. ब्लैक पेंट करने से ही इतनी अच्छी लुक आ गई है और यहाँ पे हम रस्टिक लुक देंगे। मैं यहाँ पे कॉपर एक्रेलिक कॉपर कलर यूज़ कर रही हूँ जो कि पाउडरिश फॉर्म में है, उसको थोड़ा सा हम और हाईलाइट करेंगे क्योंकि रस्टिक लुक हम कॉपर से ही दे सकते हैं। और इफ़ आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैंने एक्रेलिक पेंट का गोल्डन कलर लिया है जिससे मैं थोड़े थोड़े एरियाज हाईलाइट करूंगी, जैसे कि मैंने आईबॉल के कॉर्नर्स पे किया है, उसकी आईज के साइड में। और आज का DIY भी हमारा रेडी है। इफ यू लाइक द वीडियो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक द वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एंड जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूलिए। Oh,